चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ग्रैंड इथियोपियन बांध विवाद। इथियोपिया, सूडान और मिस्र ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर बने ग्रेट इथियोपियन रिनेसा बांध पर अपने दशक भर के जटिल विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। विवाद को जानने से पहले एक नजर डालते हैं नील नदी से संबंधित जानकारियों पर। 6,650 किलोमीटर लंबाई वाली नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह पूर्वी अफ्रीका से उत्तर और फिर मेडिटेरियन तक के दायरे में फैली हुई है। नील की दो बड़ी सहायक नदियां व्हाइट नील और ब्लू नील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है। मिश्र की भाषा में नील को इतेरू कहते हैं, जिसका अर्थ है महान नदी। अब हम ये देखेंगे कि विवाद क्या है। यह पूरा विवाद नील नदी से संबंधित है। नील अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कई देशों से जुड़े एक दशक पुराने जटिल विवाद के केंद्र में रही है, जो नदी के जल पर निर्भर है। नील नदी इथियोपिया से लेकर मिस्र और सूडान में आती है। एक दशक पहले इथियोपिया ने नील पर बांध बनाने की शुरुआत की थी। द ग्रैंड इथियोपियन रिनेसा डैम या GERD अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है और शुरुआत से ही ये नील नदी बेसिन क्षेत्र में तनाव का कारण भी है। इथियोपिया का द ग्रैंड इथियोपियन रिनेसा डैम 145 मीटर लंबा है। नील नदी का मुख्य जलमार्ग युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र से होकर गुजरता है और इसका जल निकासी बेसिन पूर्वी अफ्रीका के कई देशों से होकर गुजरता है, जिसमें इथियोपिया भी शामिल है, जहां यह बांध बनाया जा रहा है। बांध का निर्माण 2011 में इथियोपिया के एक हिस्से में बहने वाली नीली नील नदी पर शुरू किया गया था। नील नदी क्षेत्र में एक आवश्यक जल स्रोत है और मिस्र ने बांध के निर्माण पर लगातार आपत्ति जताई है। नील नदी इस क्षेत्र में एक आवश्यक जल स्रोत है और मिस्र ने बांध के निर्माण पर लगातार आपत्ति जताई है। मिस्र का कहना है कि यह जल प्रवाह को प्रभावित करेगा। लंबे समय से चला आ रहा विवाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिए चिंता का कारण है, जो डरते हैं कि इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है और अफ्रीका के अन्य देशों में फैल सकता है। क्यों बांध संघर्ष का कारण बन सकता है? नील की सहायक नदी नीली नील पर बांध के स्थान को देखते हुए यह संभव है कि इथियोपिया का नदी के पानी के प्रवाह पर नियंत्रण होगा। मिस्र और नीचे की ओर स्थित है और इस बात पर चिंतित है कि पानी पर इथियोपिया का नियंत्रण मिस्र की सीमाओं के भीतर कम जल स्तर का कारण हो सकता है। जब इथियोपिया ने 2019 में यह घोषणा की थी कि उसने दो टरबाइन का उपयोग कर बिजली पैदा करने की योजना बनाई है, तो मिस्र ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इथियोपिया को इस बांध की आवश्यकता क्यों है? इथियोपिया का लक्ष्य है अपनी आबादी के लिए बिजली को सुरक्षित करना और अपने बढ़ते विनिर्माण उद्योग को बनाए रखना और विकसित करना है। यह बांध पूरा होने पर लगभग 6,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जिसे इसकी आबादी और उद्योग की जरूरतों के लिए वितरित किया जा सकता है। अपनी घरेलू आवश्यकताओं के अलावा इथियोपिया पड़ोसी देशों जैसे केन्या, सूडान, इरिट्रिया और दक्षिणी सूडान को अधिशेष बिजली बेचने की उम्मीद कर रहा है, जो कुछ राजस्व उत्पन्न करने के लिए बिजली की कमी से भी ग्रस्त है। इस विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है? इथियोपिया, सूडान और मिस्र के बीच नवीनतम दौर की बातचीत COVID-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के अलावा अफ्रीकी संघ के परिषद के वर्तमान प्रमुख के रूप में भी अपनी भूमिका में कार्रवाई का अवलोकन कर रहा था। पिछली बातचीत के बावजूद विवाद का मुद्दा अभी भी नहीं बदला। विवाद का सबसे बड़ा विषय
सूखे की स्थिति में बांध कैसे काम करेगा और जो लंबित विवाद है उसे कैसे निपटाया जाएगा। इस समय मिश्र अपने देश में खेतों की सिंचाई, उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए लगभग पूरी तरह से नील नदी के पानी पर निर्भर है। इसके अलावा सूडान भी दोनों देशों के इस समीकरण में फंसा हुआ है। उसे भी चिंता है कि बाढ़ के कारण उसके यहाँ नील नदी के पानी की आपूर्ति कम हो जाएगी। इथियोपिया का कहना है कि बांध अपनी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है और उसने कहा है कि इससे पानी की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, ग्रैंड इथियोपियन बांध विवाद निम्न में से किन किन देशों के बीच है? विकल्प ए इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और मिश्र। विकल्प बी इथियोपिया, नाइजीरिया और मिश्र। विकल्प सी इथियोपिया, सूडान और सोमालिया। विकल्प डी इथियोपिया, सूडान और मिश्र। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प ए। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।